क्वेश्चन नंबर 9, शेयर कैपिटल पार्ट 2 के. नानावटी लिमिटेड ऑफ जूनागढ़ इश्यू 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर. अमाउंट वॉज कॉल्ड अ प्रेजेंटर ऑन एप्लीकेशन ₹4, ऑन अलॉटमेंट ₹8, ऑन फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर. ओके, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 3,50,000 शेयर्स. एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वॉज रिफंडेड टू एप्लीकेंट. ऑल द सम वेयर ड्यू रिसीव्ड एंड फुल एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3,000 शेयर्स इक्विटी हेल्ड बाय इशिरा. ओके, तो सिर्फ 3,000 का अपने को मिला नहीं, अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का. ओके, बराबर. अभी यहाँ पे देखो प्रीमियम है. ओके, तो प्रीमियम कुछ करना नहीं है. प्रीमियम में क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, बराबर है, और डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट होता है. आपको अलॉटमेंट में लेना है, जहां पे आपको बोला है ना. यहाँ पे देखो अलॉटमेंट में आपको बोला है प्रीमियम, तो आपको अलॉटमेंट में लेना है. ओके, फर्स्ट कॉलम में बोला है तो फर्स्ट कॉलम में लेना है. एप्लीकेशन में बोला है प्रीमियम, तो एप्लीकेशन में लेना है. और प्रीमियम ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, बराबर है. बैंक वाले एंट्री में प्रीमियम लेना नहीं है, बराबर. बैंक वाली, हाँ, प्रीमियम इज ऑलवेज इनकम फॉर द कंपनी. ओके, प्रीमियम इज ऑलवेज इनकम फॉर द कंपनी. ओके, तो अभी 10 का शेयर है, 100 में 10 का शेयर है, 50 में इशू किया. ओके, तो ₹40 प्रीमियम हो गया, बराबर है. 100 का शेयर है, 500 में इशू किया, तो ₹400 प्रीमियम हो गया. तो प्रीमियम क्या है कंपनी के लिए, बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है. ओके, हर एक कंपनी को प्रीमियम मिलता नहीं है. ओके, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर ज्यादा पैसा देने के लिए राजी होता नहीं है. बट बहुत कंपनी ऐसी होती है कि वहां पे शेयर होल्डर खुशी खुशी प्रीमियम पे करते हैं, बराबर है. जब कंपनी इश्यू करती है एट द रेट ऑफ 900, एट द रेट ऑफ 1200, तो वहां पे लोग इजिली पैसा भरते हैं. ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, एंड प्रीमियम ऑलवेज इनकम फॉर द कंपनी. दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. ओके, और डिस्काउंट इट इज ऑलवेज ऑन डेबिट साइड, ऑन डेबिट साइड. ओके, अभी क्या होता है कि शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू होता है और डिस्काउंट पे इश्यू होता है. डिस्काउंट दिया है तो आपको उसमें बोला होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा कि एप्लीकेशन में, अदरवाइज अलॉटमेंट में, अदरवाइज फर्स्ट कॉल में. ओके, वैसे आपको डिस्काउंट लिखा होगा, तो जहां पे डिस्काउंट लिखा है वहां पे आपको डेबिट करना है. ओके, अभी मैं समझा दूं कहां पे डेबिट करना है, कहां पे क्रेडिट करना है. ओके, नाउ वी स्टार्ट द सम. ओके, सो यहां पे इशू कितने हुई एप्लीकेशन अपनी, इशू 3 लाख हुई है और मिली 3,50,000. ओके, बराबर. और इसमें एप्लीकेशन में 4 रुपीज है और अलॉटमेंट में 8 रुपीज है और फाइनल कॉल में 3 रुपीज है. तो 8 + 4 = 12 + 3 = 15 हो गया, बराबर. सो नाउ फर्स्ट एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट एंट्री. इतनी देर से क्यों आए पर, इतनी देर से क्यों आया. ओके, चलो अभी लिखना चालू कर दो फटाफट. अच्छा, तेरे को थोड़ा 5-10 मिनट पहले एडवांस नहीं करना चाहिए बेटा. जूम ओके चलो अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,50,000 इंटू 4 करो कितना आता है, 14 लाख आएगा ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 14 लाख. ओके, और नरेशन होगा
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट वन नाउ, नाउ दिस अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ओके सो योर एंट्री इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। हाँ हाँ रिफंड अभी ये वाली एंट्री में होगा रिफंड। ओके राइट डाउन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 4 यानी 12 लाख होगा टू बैंक अकाउंट 2 लाख। रिफंड हो गया, रिफंड हो गया अभी यहाँ पे हो गया। ओके टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ओके नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल being application money transfer to equity share capital and excess money refunded to shareholder थर्ड एंट्री में क्या होगा प्रीमियम जो है वो आपको प्रीमियम लेना होगा बराबर। अभी प्रीमियम इसमें बोला है ब्रैकेट में लिखा हुआ प्रीमियम के अलॉटमेंट में बराबर। सो राइट डाउन एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। लिखा अभी इसमें अमाउंट अमाउंट लिखना है। ओके तो अमाउंट में प्रीमियम में 5 रुपए। ओके बराबर है। सो 3 लाख इंटू 5 करो यानी कितना होता है 15 लाख होगा। 15 लाख डाल दो प्रीमियम में। अभी इक्विटी शेयर कैपिटल में 3 रुपया। ओके क्योंकि टोटल 8 दिया है, 8 में से 5 निकल गया, 3 बचा। अलॉटमेंट में कितना दिया है 8 दिया। ओके 8 में से 5 निकल के 3 बचा। हाँ यस वेरी गुड। सो 3 लाख इंटू 3 9 लाख आपको लिखना है शेयर कैपिटल में। ओके और 9 और 15 कितना होता है 24। हाँ वो लिखो अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट दैट इज 24 लाख। यस जहां पे आपको ब्रैकेट में दिया है वहां पे ही आपको प्रीमियम लेना है और बैंक वाली एंट्री में प्रीमियम नहीं लेना है। ओके बैंक वाली एंट्री में नहीं लेने। अभी इसके बाद बैंक वाली आएगी बराबर तो उसमें आपको प्रीमियम 2 मिनट हाँ मैं भी भूल गया उसमें 2 मिनट तो उसमें अभी लिखो इसके बाद वाली एंट्री इसका नरेशन लिख लो पहले। हाँ नरेशन लिख लो being equity share allotment made with premium
यानी बैंक वाले एंट्री में आपको प्रीमियम लेना नहीं है, ओके। तो सेकंड वाले आएगी आपको पैसा मिलेगा सेकंड वाले में, बराबर। पर इसमें देखो अभी क्या है कि इशरा जो है उसके पास सीधा शेयर्स होल्ड किए थे उसने, शी इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी, ओके। तो क्या करोगे आप, 3 लाख में से 3,000 काट दो, कितने बचे, 2,97,000। 2,97,000 इनटू आपको 15 करना है, ओके। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपको, अभी 3 लाख शेयर हेल्ड बाय इशरा, ओके, उसने वो भरा नहीं है पैसा अलॉटमेंट का, तो 3 लाख टोटल शेयर्स थे उसमें से 3,000 काट दो तो कितने बचे, 2,97,000, बराबर। अभी 2,97,000 इंटू क्या करना है आपको, इंटू 15 करना है, बराबर। इंटू 15 करो कितना आता है, 15. इसमें प्रीमियम है ना 5 रुपया, 5 रुपये प्रीमियम है और, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 5 रुपया प्रीमियम है और 3 रुपया अलॉटमेंट का, सॉरी 8 करना है, सॉरी 2,97,000 इंटू 8 करना है, मैं भी क्या है 15 पूरा ले रहा हूँ। सो 5 रुपये प्रीमियम का है उसमें और 3 रुपया आपका अलॉटमेंट का, ओके। सो 2,97,000 इंटू किसमें नहीं लेने का, पर नहीं बैंक वो, पर उसकी एंट्री नहीं होगी, पैसा इंक्लूड करना है आपको, ओके, उसकी अलग एंट्री नहीं होगी प्रीमियम की, बराबर है, पता चला, प्रीमियम की अलग एंट्री, प्रीमियम की अलग एंट्री नहीं होगी। जैसे ऊपर वाले एंट्री में नहीं लिखा अपने कि भाई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम, ओके, बराबर। तो वो वहां पे जैसे अलग अकाउंट ओपन किया, वैसे यहाँ पे बैंक में अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें सिर्फ लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस उतना ही है, नहीं एक अलग अकाउंट ओपन नहीं करना है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। जैसे ऊपर अलग अकाउंट ओपन किया, बराबर है, वैसे यहाँ पे आपको अलग अकाउंट ओपन करना नहीं, ओके, बराबर। सो यहाँ पे लिखो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,97,000 इंटू 8 करो बेटा, कितना आ रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ₹8 इंटू 2,97,000 कितना आ रहा है, 2,97,000 being allotment money with premium is received except 3,000 shares of Ishra is not received. Except 3,000 shares of Ishra, amount is not received. अभी final call, okay. अभी final call. Final call में क्या है कि नहीं final call ही दिया tax open, okay. तो ऐसा हो सकता है, बराबर है, ऐसा हो सकता है कोई उसमें ऐसा कंपल्सरी नहीं कि फर्स्ट कॉल ही आएगा, ओके, डायरेक्ट फाइनल कॉल हो सकता है, ओके। सो इसमें लिखो इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें 3 रुपीज, ओके, 9 लाख आएगा, इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9 लाख रुपीज, बीइंग फाइनल कॉल मेड
उसके बाद नेक्स्ट जब अपने को फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट, हाँ वो ले लेंगे अभी, पहले एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट, तो उसमें भी आपको 2,97,000 इंटू 3 करना है बेटा, 2,97,000 इंटू 3 करो कितना आ रहा है, 8,91,000 लिखा, उसमें लिखो बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 3,000 शेयर्स हेल्ड बाय इशरा इज नॉट रिसीव्ड, चलो अभी ये क्वेश्चन हो गया, नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ओके, वाला मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ऑफ धंधुका इश्यू 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹60 पर शेयर, ओके, ₹10 का शेयर है, ₹60 प्रीमियम है, यानी टोटल कितना हुआ, 70 हुआ, अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज अंडर, ओके, एप्लीकेशन में प्रीमियम दिया हुआ है, अलर्ट में प्रीमियम दिया हुआ है, फाइनल कॉल में प्रीमियम दिया हुआ है, तीनों तीन में प्रीमियम दिया हुआ है, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ ₹6 लाख इक्विटी शेयर्स, 4 लाख इशू किया था, 6 लाख मिला है, एक्सेस एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड एंड मनी पेड देयर ऑन वॉज रिफंडेड, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वेर कॉल्ड अप इन टाइम, ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, all 500 shares held by Himmat bhai and final call money on 300 shares held by Hima, okay, so ye dono ne paisa bhara nahi hai, ek ne final call nahi bhara, sorry ek ne allotment aur final call nahi bhara, name is Himmat bhai, okay, aur dusre ne sirf final call nahi bhara, Hima ne, okay, so write down entries, first entry likho pehle, bank account debit to equity share allotment account, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अभी इश्यू किया 4 लाख और मिला कितना है, 6 लाख, ओके, तो 6 लाख इंटू 23 करो बेटा, 6 लाख इंटू 23 करो, उसमें 3 रुपया एप्लीकेशन का है और 20 रुपया प्रीमियम का है, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 23 रुपीज इंटू 6 लाख करो बेटा, ओके, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नरेशन बीइंग एप्लीकेशन money received, लिखा आपने, next one, अब ये जो पैसा ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में और प्रीमियम में, ओके, सो राइट ऑन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पहले एंट्री लिख लो, अमाउंट बाद में लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
टू इक्विटी टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और वो यानी इसका स्पेशल नाम वो सिक्योरिटी उसको कहते हैं, वो लास्ट टाइम कितने रह गए आपने, वो आपने वो इक्विटी शेयर लिख दिया, और इक्विटी शेयर क्या लिखा वो पता नहीं मेरे को, और वहाँ पे स्पेशल वर्ड लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम, ओके, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू बैंक अकाउंट जो एक्सेस अमाउंट रिफंड कर दिया, ओके, एक्सेस अमाउंट रिफंड कर दिया, इसी से आपका माइक बंद कर दो, यहाँ पे आवाज आ रहा है। सो यहाँ पे अभी अमाउंट लिख दो, ओके, जो ऊपर अमाउंट आया था वो डाल दो पहले, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में डाल दो पूरा पूरा अमाउंट, ओके, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होगा, और 4 लाख × 3 यानी 12 लाख, ओके, लिखो 12 लाख लिखो उसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखो 12 लाख, उसके बाद नेक्स्ट वन प्रीमियम है, ओके, प्रीमियम 20 रुपया है, 20 रुपया × 4 लाख, ओके, सो कितना होता है 4 × 2 = 8 बताओ, तो 20 रुपया है तो एक यानी कितने 6 मिंडे होंगे, ओके, 8 के बाद 6 मिंडे लगा दो यानी 80 लाख हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 80 लाख, और एक्सेस से वो रिफंड कर दिया, ओके, एक्सेस कितना 2 लाख था, 2 लाख × 23 करो बेटा, वो लिख दो बैंक में, टू बैंक में, और टोटल कर दो, डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का टोटल बराबर इक्वल हो गया, देख लो चेक कर लो, टू बैंक में लिखना है आपको 2 लाख × 23, लिखा आपने, हाँ अभी टोटल हो गया, डेबिट सीट और क्रेडिट सीट टोटल हो गया बराबर, ओके, अभी लिखो नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर, एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर टू एंड एक्सेस मनी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर, ओके, अभी होगा आपका अलॉटमेंट, ओके, व्हेन अलॉटमेंट इज मेड एंट्री इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, टू इक्विटी शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर प्रीमियम, कैपिटल में अपना कितना था रुपीज 4 लाख × 4 करो, यहाँ पे 30 रुपीज प्रीमियम में और 4 रुपया अलॉटमेंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अभी यहाँ पे आपको दिया है 34 रुपीज, ओके, 34 रुपीज में 30 रुपीज प्रीमियम है और 4 रुपीज अलॉटमेंट का है, ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल में डालो 4 × 4 यानी कितना होता है 16 लाख, ओके, 4 लाख × 4 16 लाख, ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रीमियम में डालो
30 रुपीज इंटू 4 लाख कितना होता है वो डाल दो सिक्योरिटी प्रीमियम में. नाउ चेक द अमाउंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ओके इक्वल हो गया. डाल दिया वो नर्स लिख दो अभी. डोनेशन लिख दो इसमें. बीइंग अलॉटमेंट इज मेड विथ सिक्योरिटी प्रीमियम. नेक्स्ट वन नाउ जब पैसा मिलेगा. ओके बराबर. तो पैसे में अभी अलॉटमेंट का पैसा मिलता नहीं है. दैट इज हिम्मत भाई हेल्ड ऑफ रुपीज 500 शेयर्स नॉट पेइंग अलॉटमेंट मनी. ओके तो वो काट देंगे. तो लिखो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. पहले एंट्री लिख लो. अभी 400,000 में से 500 काट दो यानी कितना होगा 3,99,500. 3,99,500 इंटू 34 करो. थ्री लैख 99,500 मल्टीप्लाई बाय 34. ओके और उसमें लिखो narration being allotment money received with premium being allotment money received with premium. Except 500 shares held by Himmat Bhai is not received. Next entry now for final call. Okay. So, equity final call account debit to equity capital to security premium. तो इसमें 10 रुपया क्या है आपका प्रीमियम है और बाकी का जो है वो आपका फाइनल कॉल का है 3 रुपया. ओके इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अभी इसमें आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना डालना है दैट इज 3 रुपीज इंटू 4 यानी 12 लाख. और इसमें डालना है आपको 4 लाख इंटू 10 करना है यानी 40 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में. सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 40 लाख. नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मेड विथ सिक्योरिटी प्रीमियम. Being final call made with security premium. Next one now.
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट। अभी क्या करना है आपको, दूसरी जो हिम्मत है उसने 300 शेयर्स का पैसा नहीं भरा और 500 शेयर्स का तो आएगा ही नहीं हिम्मत भाई का, तो 800 हुआ। ओके तो 4 लाख में से 800 काट दो तो 3,99,200 ओके इंटू 13 करना है आपको, वो डाल दो बैंक में। ओके बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट 3,99,200 इंटू 13 करना है। और उसमें लिखो बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ सिक्योरिटी प्रीमियम एक्सेप्ट 500 शेयर्स बाय हिम्मत भाई एंड 300 शेयर्स हेल्ड बाय हिमा is not received. Is not received.